वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल फूड किचन में। आज मैं आपके साथ आलू मटर टमाटर की रेसिपी शेयर करूंगी ग्रेवी वाली। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लेते हैं। ये हमारे पास आलू है, पोटैटो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया। ये हमारे पास ग्रीन बीस मटर है, इसको मैंने फ्रेश ग्रीन लिया था और उसको मैंने छील कर इस तरह से कर लिया। ये हमारे पास 250 ग्राम है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 मीडियम साइज टमाटर था उसको मैंने चॉप कर लिया इस तरह से। ये 1 मीडियम साइज का अनियन था उसको मैंने पेस्ट बना लिया इस तरह से, थोड़ा दरदरा, बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं है। ये बाकी हमारे मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। टर्मेरिक पाउडर है 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड करें, लीव कर सकते हैं। ये हमारे पास 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये ऑयल है 50 ml कुकिंग ऑयल। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप, इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने एक वेसल लिया और उसको मैंने गरम किया है और उसमें मैंने ऑयल 50 ml ऐड कर दिया है। 1 से 2 मिनट में ऑयल को कुक करूँगी, गरम करूँगी, उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऐड करूँगी। ये मैं ऐड करूँगी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और ऐड किया है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करूँगी, इसको अच्छे से सॉटे कर दें ताकि जो इसमें कच्ची खुशबू है वो ना रहे। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन पेस्ट। ये मैंने इसको दरदरा ग्राइंड किया था, 1 मिनट ओनली ग्राइंडर में डाल के, इसको बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं किया। इसको भी मैं भूनूंगी हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट, इसका कलर चेंज हो जाए। भून रही हूँ मैं इस तरह से, जब तक मैं इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट और अनियन को मैं भून रही हूँ। ये मेरा कार्ड है, आप होल्ड करके देख सकते हैं। हाई फ्लेम पर मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट भूना है, अच्छे से सॉटे हो चुका है, कलर चेंज हो गया है अनियन का। मैं अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। ये टर्मेरिक पाउडर मैंने हल्दी ऐड की है इसमें। अब जाएगी इसमें ये जो बाकी के मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, कसूरी मेथी ये भी साथ ही ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं फ्लेम लो कर दूंगी और लो मीडियम फ्लेम पर इन तमाम मसालों को अच्छे से भूनूंगी, सॉटे करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें वाटर ऐड करें, पानी ऐड करें, एक साथ ही नहीं ऐड करें। अब मैं इसको स्पून चलाते हुए अच्छे से मसालों को भून लूंगी। ऑयल हमारा ऊपर थोड़ा सा नज़र आने लगे इस तरह से। ये मैंने इतना वाटर इसमें ऐड किया है, अब मैं इसे भूनने रख देती हूँ। मैंने मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट इसको भूना है। 10 मिनट में ये मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें जो बाकी की हमारी चीज़ें हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं। अच्छे से टमाटर को मिक्स कर लें मिक्स इस ग्रेवी में, फ्लेम हाई रखें। 1 मिनट इस तरह से मिक्स करके इसमें वाटर ऐड करूँगी मैं। ये मैंने 100 ml वाटर ऐड किया है इसमें। अब मैं इसमें टमाटर को सॉफ्ट होने रख दूँगी। ये मैं हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, इससे हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। उसको हमें गलाना नहीं है बहुत ज़्यादा, मैश नहीं करना। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, गल गए हैं टमाटर। अब मैं इसमें इसे भूनूंगी नहीं, इसी वाटर में मैं बाकी के जो हमारे इन्ग्रीडियंट्स हैं वो ऐड करूँगी। मटर ऐड करूँगी मैं, मटर भी कुक करना है मैं, कच्ची मटर है। मैं इसमें साथ ही आलू भी ऐड कर दूँगी। अब सारी तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लें 1 से 2 मिनट चला के यूँ हाई फ्लेम पर ही। अब मैं इनको 10 मिनट हाई फ्लेम पर रख दूँगी। इसमें वाटर और जाएगा थोड़ा सा, तकरीबन 100 ml वाटर मैं और इसमें शामिल करूँगी इस तरह। ये हमें ग्रेवी वाले आलू बना रहे हैं करी, तो इसमें वाटर थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। अब मैं इसको 10 मिनट हाई फ्लेम पर रख के फिर चेक करूँगी क्या रहता है। अगर कुक हो जाएंगे अच्छे से तो मैं फ्लेम लो करूँगी। ये देखिए अब
10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको खोल के देखती हूँ। आलू रेडी हो चुके हैं, लग रहा है कि वो गल गए हैं। जी, आलू गल गए हैं और टमाटर, मटर भी फ्रेश मटर थी, बहुत जल्दी गल गई। मटर भी, आलू मटर टमाटर मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है, ये ऑयल ऊपर आने लगा है। टमाटर मटर आलू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए, और ये अगर आपको कम करनी है तो आप इसे और भून लें 5 मिनट्स। इसकी ग्रेवी, ये हमारी डिलीजियस मटर आलू टमाटर रेडी हो चुके हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।